मुख्तार की मौत के बाद अब कृष्णा नंद राय के भतीजे आनंद राय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद जी, अब चूंकि मुख्तार की मौत हो गई है, आनंद राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्तार की मौत हो चुकी है, इस वक्त पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो आप देख पा रहे हैं। आज पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, पूरे तरीके से तमाम चीजें होंगी। अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आरोप बहुत सारे थे, चाहे वो हत्या हो, फिरौती हो, लेकिन आपके ही परिवार के शख्स कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या हुई थी 2005 में। जी, कल आप ही लोग के न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु हो गई है। सन 2005 में स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या का आरोपी मुख्तार रहा है। आज उनके परिवार को एहसास हो रहा होगा कि किसी अपने के जाने का होने का गम किस तरह का होता है, और ये शुद्ध रूप से अपराधी रहा है। इसके ऊपर कम से कम 50 से 60 मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे अन्य प्रदेशों में भी, जिसमें से 25 से 30 केवल हत्याओं के मुकदमे। तो आज वो सारा परिवार में खुशी का माहौल है, और जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र में, जो वहां खुशियों का तांता लगा हुआ है, लोग लगातार फोन करके बधाइयां दे रहे हैं कि आज एक आतंक का अंत हुआ, चाहे जिस रूप में हुआ। कल का दिन मुख्तार अंसारी के लिए तय था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल, अब इस दुनिया में नहीं है मुख्तार, एक माफिया जिसका अंत हो चुका है। एक ऐसा वक्त था जब पूरे इलाके में डंका बजता था और पूरे इलाके में खौफ का माहौल, डर का माहौल देखने को मिलता था मुख्तार अंसारी की वजह से, चाहे वो फिरौती हो, हत्या हो, इस तरह के कई मामले आपने भी देखे होंगे अपने इलाके में भी। और जब हत्या हुई होगी आपके चाचा जी की, उस वक्त भी जो आपके परिवार पर गुजरी होगी वो हम समझ सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, आतंक का अंत हो गया है, एक माफिया का अंत हो गया है। बात है, आज तमाम ऐसी घटनाएं मुख्तार अंसारी के द्वारा कराई गई हैं, मतलब लगभग 50 से 60 मुकदमे इनके ऊपर है। ऐसे तमाम मुकदमों में दोषी रहे हैं, और कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें इनको अभी तत्काल में ही सजा मिली है। अपराध मतलब अपहरण करना, हत्या करना, तमाम वसूली करना, ऐसे ही इनके काम है। और जी, कोई एक ऐसा आप किस्सा अगर बताना चाहें, क्योंकि कहा जाता था कि अपराध का इतना खौफ था कि लोग डरते थे, कोई एक ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहें इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी सामने आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि हमारे साथ भी गलत हुआ था, मुख्तार ने गलत किया था, और मुख्तार के परिवार ने, उसके करीबियों ने, उनका भी एक अलग ही वर्चस्व देखने को मिलता था। तो कोई एक ऐसा किस्सा अगर आप न्यूज 18 पर शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ। ऐसे तमाम उदाहरण है, जैसे एक हमारे बड़े करीबी है अशोक सिंह जी, बगल के जनपद के मऊ के रहने वाले, उनके बड़े भाई जो कि ठेकेदार थे, मुख्तार अंसारी के मतलब अवैध पैसा मांगने पर उन्होंने विरोध किया और उनकी हत्या करा दी गई। आज अशोक भाई भी संघर्ष कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, कर रहे थे, कर मुख्तार अंसारी रहे नहीं। विधायक जी के साथ 6 लोग और मारे गए थे, वो परिवार भी आज लगातार संघर्ष कर रहा था। एक ऐसा दौर था कि मुख्तार का आपराधिक चरण पे था, मतलब चरम सीमा पे था। जेल में रह के तमाम तरह के आतंक करना, वसूली करना, हत्याएं कराना, जमीन कब्जा करना, जेल में ही दरबार लगाना, तो सरकार के सपे, उस समय के तत्कालीन सरकार के सपे गुंडे की चरम पर थी। भगवान के घर अंधेर है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे अपराधियों का हर एक न एक दिन ऐसा होना ही। बिल्कुल, वो तमाम लोग भी यही कह रहे हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, क्योंकि आतंक का पर्याय बन चुका माफिया मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है। और सबका यही कहना है कि उसे अपने किए की सजा मिल गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। कल का दिन कुदरत की ओर से मुकम्मल किया गया था उसके मौत को लेकर। ओपी सिंह जी